हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में हम देख रहे हैं रोस्टिंग ऑन हानिया आमिर्स इंसिडेंट और समो स्पीक्स। इनके थॉट्स भी हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये क्या बोल रहे हैं अपने रजा समो भाई। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टडी वीडियो नाउ। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। इस वीडियो का जो एपिलॉग है कि भाई कौन किसके ऊपर लेटा, कहां से शुरू हुआ तमाशा, किसके साथ भाग गई नताशा, किसने कासिम खाई कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा, उस सबसे हमें भाई कोई लेना देना हीच नहीं। यानी कि आसिम वर्सेस हानिया के बीच में हमें सैंडविच का मसाला बनने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। शुरू से थर्ड व्हील बनने का हमें कोई शौक ही नहीं है, पर्सनल मैटर चल रहा है, हमसे नहीं होता ये। नहीं, मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मैं तो तुम्हारी बात सुन नहीं रहा हूँ। ये देखो बात सही कर रही है, वो अपनी जगह पे सही है क्योंकि वो टाइम पे आया था। नहीं, वो 5 मिनट 10 मिनट अबे भाई अपने को बीच में पिसना ही नहीं है। हमारी तो तोपों का रुख उस बंदे की टोई की तरफ है जिसने एक बहुत बड़ी घटिया हरकत कर दी है। जी हाँ, ऐसी घटिया हरकत के मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। तो भाई साहब हुआ कुछ यूं, कहानियां आमिर की 2 महीने पहले की लाइव स्ट्रीम का एक टुकड़ा उठाया गया और पप्पू आया, उसने नीचे अपनी वीडियो लगा ली। अब उस वीडियो में वो बेसिकली द गाय वाज कैसे बताए एजाकुलेटिंग ऑन द पिक्चर ऑफ हानिया आमिर। थंबनेल में ही आपको 18 प्लस की वार्निंग दे दी गई है, तो अगर आप आउच और यू वाले हो तो भाई कल्टी हो जाओ। ये वो भड़ास है, ये वो गालियां हैं जो पूरा समाज उस बंदे को शायद देना चाहता है लेकिन दे नहीं सकता क्योंकि तमीज का लिबादा ओढ़ना भी सोसाइटी में बहुत जरूरी है। तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेशरम हो जाते, हमारे मीडियम के थ्रू ये काम कर लेते, हम बोल लेते हैं ना आपके बिहाफ से। भैया जी अब होगा कुछ यूं कि हम इस बंदे की टुई के अंदर घुस के फटेंगे। नहीं, ये तो प्लान ही नहीं है, घुसेंगे अंदर बसेरा कर लेंगे और रोज रोज फटने का सीन है ब्रो। इस घटिया हरकत करने वाले घटिया शख्स के लिए मेरे पास इसको पकड़वाओ, इस लड़के को पकड़वाओ। अब प्री मैच्योर एजाकुलेशन से पैदा होने वाली इमैच्योर औलाद को भोसड़ चौक के भिखारी साले कोड़ की बीमारी, वो चमन चाटी है माइक्रोस्कोपिक लुल्ली के मालिक, गंदी नाली के मजीद गंदे कीड़े साले लोड़ू ललित, अबे बासीर वाली बूंद से निकले बासी लेडे, जब चूतियम सल्फेट को गांडियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते तो रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट में तेरे जैसे फुतू पैदा हो जाते, साले हरस के पुजारी, हजार बाप की इकलौती शाहकारी, पूरी कौम की शर्म सारी, मेंडिंगो की सवारी, फनकारी ग्रेट अली का बड़ी, साले नस्ली छिछोरे, तेरी टुई पे मारूं 101 कोड़े, तुझे घोड़ी बनाए 4 स्टेलियन घोड़े, तेरी चूथड़ों पे निकले ला इलाज फोड़े, अबे बहन के साले 10 हरामियों की मिक्स ब्रीड, यू सीरियल मास्टर खत्म शुद्ध मुठल, यू फ्रस्ट्रेटेड, इतनी गर्मी लाते कहां से हो, जून में भी हीटर चलाते हो क्या, क्या करते क्या हो, गर्म पानी में गर्म मसाला घोल के पीते हो, सस्ते खानदान के मुफ्त बच्चे, जिस साबुन से नहाते हो उसी में ही छेद करने वाले चुतड़ू, ये ऐसे लोग बाहर जाते हो देखते कोई अलीना शॉपिंग मॉल तो अलीना देख के वग जाते हैं। स्टेप सिस्टर स्टेप मदर वाली कैटेगरी को मोस्ट व्यूड बनाने वाले फ्रस्ट्रेटेड फुद्दू, एक बीपी स्पेसर पे जिसम पड़ोसी पे उतर आने वाले, तुझे कतई शर्म नहीं आई, एक तो ये वीडियो बना के फिर एडिट करके अपलोड करके, सूत्रों के मूत्रों के अनुसारन पता लगा है कि दिस गाय इज गुड एट ओनली 3 जॉब्स, हैंड जॉब, रिम जॉब एंड ब्लो जॉब। साले मुठिया मंत्री बनने का तुझे इतना शौक है ना, तो याद रखियो तुम भी पहले जाओ, इंसान बन जा बता रहा हूँ, अगर किसी का हाथ लग गया ना तेरे पेशाब करने वाली नली बंद कर देंगे। करेक्ट, उसको पकड़ो यार, उसको सजा मिलनी चाहिए, ये हरकत पब्लिक में होना। साले इस पत्थर से खस्सी कर दूंगा तुझे मैं, और इससे ये जो तेरा छोटा मजाक है ना ये काट दूंगा मैं। बेटा जी कपूरों में अगर तुम्हारे इतने ही पानी है ना तो मुंह भी दिखा देते अपना, एक चीज तो पता लग गई कि तू अपने फूलों से सोचता है, और इसी तरह उसको पकड़ा जा सकता है, लेकिन ट्रैक किया जा सकता है। मेरी बात सुन गौर से, ऐसा करने से यू आर डैमेजिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन यू आर डिफाइलिंग। बात समझ ले, हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं भाई, सुसाइड कर लेते हैं, इतना एक्सट्रीम तक चला जाता है सीन, थोड़ी अकल इधर से सोच। तेरे जैसे लोगों की वजह से औरतों का घर से बाहर निकलना आजाब हो गया, तेरे जैसे ही चूतिया होते हैं जो उनको बाजारों में छेड़ते, एक सेकंड इसकी गैरत जगाते। जस्ट इमेजिन कि वो जो पिक्चर है वो तुम्हारी सिस्टर की होती, इधर लगी ना इधर, तो भोसड़ी के दूसरों के साथ भी नहीं करते। देखो भाई ही सीरियस, एक्चुअली इसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ और किसी मजाक में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीरियस हुए आउट से कि मोर पावर टू हानिया एंड ऑल द वुमेन इन आवर सोसाइटी जिनको ऐसे जानवर कभी कभी देखने पड़ते हैं। तो भाई इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, ताकि ये ना बोले कि उस हानिया के काम ऐसे हैं, उसको उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, ये गलत बात है, हमारी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं।
So if you like this video, you subscribe both my channels. Subscribe. On kar. Chote bazaar na on kar. BTS road like. Tu sar rakna down kar. सीन है ये बहुरा में फ्लो मेरा चक्कर समंदर करेंगे ये पार बिना बोट के ब्रो मेरे बैठ कर आगे जाएंगे पहाड़ों के बीच। सो ऑसम उन्होंने बहुत ही ऑसम वाली बातें की है इसमें एंड मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं वो अंदर से इस बात को लेकर बोलते हुए। वो मजाकिया अंदाज में बोलना चाह रहे थे इन चीज़ों को लेकिन बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे अंदर से मुझे दिखाई दिया उनके चेहरे पर। लेकिन जो भी था बहुत ही सही था, सीरियस मैटर तो है आखिरकार, क्योंकि अगर किसी और के साथ भी हुआ होगा या हो जाए आने वाले टाइम में तो आप क्या कर सकते हैं। रोकना ज़रूरी है ऐसी चीज़ों को, सबक सिखाना ज़रूरी है ऐसी चीज़ों को। ये ना बोलें कि हानिया के काम ऐसे हैं, हानिया बुरी है या फिर हानिया ने गलत काम किए हैं, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए या फिर होगा। तो इस को जस्टिफाई इस तरीके से करना, इस बात को और अगले बंदे को छोड़ देना और हानिया पर हमला बोल देना, वो चीज़ अलग है। हानिया गलत है चलो मान लिया, हानिया के काम गलत हैं चलो मान लिया, हानिया मैनिपुलेट करती है बहुत सारी चीज़ों को पब्लिक में आने के लिए, अपने आप को ट्रेंडिंग में रखने के लिए, लोगों की न्यूज़ में रखने के लिए, सब कुछ मान लिया। लेकिन वो बंदा गलत है तो गलत है। ये हरकत किसी और लड़की का फ़ोटो लगाकर या फिर किसी और लड़की के साथ भी हो सकता था जो कम लेवल पर फेमस है, उसको भी बदनाम करने के लिए ये हरकतें हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों को बदनाम करने के लिए ये हरकतें हो सकती हैं। और सच बोले ये कि ये बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती हैं, यहाँ तक कि लोग सुसाइड करने का भी सोच लेते हैं, क्योंकि इतने स्ट्रांग नहीं होते लोग कि ऐसी मजाक को वो झेल पाएँ और उससे रिकवर कर पाएँ या फिर अपनी लाइफ को नॉर्मल पाथ पर, अपने जो चल रहा है उस पर ले जा पाएँ, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग बहुत सारे। और आजकल माहौल ऐसी चल रहा है कि मेंटली डिस्टर्ब लोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कोविड की वजह से, और बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं ऐसे। तो इस बात का ख्याल रखें एंड जिसके भी आसपास ऐसी हरकतें हो रही हैं, मेरे हिसाब से उसको पकड़ने की या फिर ट्रैक करने की कुछ ना कुछ कंप्लेंट करें, उसको पकड़ा जाए, उसको सबक सिखाया जाए ताकि और ज़्यादा केसेस ऐसे ना बढ़ें जिससे कि और ज़्यादा माहौल ख़राब हो या किसी और लड़की पर आ जाए या फिर किसी और के बारे में किसी और की बहन के साथ ऐसा ना हो जाए कहीं। तो उसको रोकने के लिए सही बातें की हैं इन्होंने। आई थिंक कि इनको सबक सिखाना चाहिए और इन्होंने एक ही स्पीड में मतलब बहुत सारी बातें कही, मुझे मज़ा आ गया उसको सुनकर। मतलब एक के बाद एक गाली पे गाली। वो बंदा मुझे उम्मीद है पक्का देख रहा होगा, जहां हानिया वर्सेस ये कंट्रोवर्सी या फिर इसका फ़ोटो लगा हुआ आएगा और जो फेमस यूट्यूबर हैं इनकी तरह जैसे कि टक्की भाई और ये, इनका अगर केस में या फिर थंबनेल में या फिर ऐसा कोई वीडियो आएगा तो वो बंदा पक्का देखेगा, उसको पता है, वो भी देखता होगा और देखकर उसको पता होगा। आई थिंक अगर उसको सज़ा मिलेगी तो ये चीज़ें देखकर उसको बुरा लगेगा कि हाँ मैंने गलत किया है। अगर उसको नहीं पकड़ा गया, नहीं देखा गया या कोई और सज़ा नहीं मिली रियल लाइफ में, तो वो इन चीज़ों को देखकर हंसेगा कि मैंने ऐसा कांड कर दिया, मेरे ऊपर वीडियो बन रही है, मुझे लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं वो अपने आराम से बैठकर इन चीज़ों को देखता रहेगा। तो गाइस अपने व्यूज़ ज़रूर जाहिर करें कॉमेंट सेक्शन में, हमारे लाइक करके शेयर करें अगर पसंद आया वीडियो तो, कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो कॉमेंट करें। क्या कहना है आपको इस सब के बारे में, मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं हानिया को लेकर। हानिया मैनिपुलेट कर रही थी, वो वीडियो फेक था, बहुत सारी चीज़ें मेरी क्लियर हुई हैं। तो आप कमेंट कर बताएं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग।